हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइज, टुडेज अवर टॉपिक इज कलर कोडिंग ऑफ वायर्स इन अ केबल। सो बेसिकली वी हैव थ्री टर्मिनल्स इन केबल। फर्स्ट इज लाइन, सेकेंड दैट इज न्यूट्रल, एंड द थर्ड वन इट इज अर्थ। सो लाइव वायर को, मतलब कि जो पहले की वायरिंग होती थी, उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड वायरिंग, ओल्ड वर्जन बोल देते हैं। तो पहले जो वायरिंग होती थी उसमें जो लाइव वायर होता था, वो लाइव वायर बेसिकली हमारा रेड वायर रहता था। फिर न्यूट्रल वायर की अगर बात करें तो न्यूट्रल, उसकी कलरिंग हम लोग रखते थे ब्लैक कलर, एंड देन अर्थ के लिए उसकी कलरिंग ग्रीन कलर होती थी। बट अगर न्यू वर्जन की बात करें तो न्यू वर्जन में जो रेड वायर था उसको हम लोग ब्राउन कर दिए। सो नाउ रेड को ब्राउन कर दिया। ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के लिए जो हमने यहां पर यूज किया लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू यूज करेंगे अभी। और अर्थ के लिए ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं या फिर येलो कलर, राइट? तो ये न्यू वर्जन के हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलरिंग करने की क्या जरूरत है। अगर आपकी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आया तो कोई भी नया रिपेयर करने वाला समझ सके कि यस दिस इज लाइव वायर, मतलब कि रेड ही होगा, यस दिस इज ब्लैक वायर, वो न्यूट्रल ही होगा, एंड यस अर्थिंग के लिए ग्रीन ही होगा। बट अगर न्यू वर्जन की बात करें तो ब्राउन, तो उसको तुरंत समझ लेना है कि वो लाइव वायर है। लाइट ब्लू, तो वो तुरंत समझ लेगा कि वो न्यूट्रल के लिए। और ग्रीन और येलो अगर होगा उसमें कोई भी एक, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि वो अर्थिंग का वायर है, राइट? सो ये था हमारा बेसिकली कलर कोडिंग। इसे हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा वायर कौन सा टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.